बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के दो दिवसीय बिहार दौरे का आज आखिरी दिन है। नड्डा आज मिथिला को ऐतिहासिक सौगात देंगे। स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा में कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजनाओं का जायजा लेंगे और उद्घाटन भी करेंगे। इस दौरान वो शोभन बाईपास पर प्रस्तावित एम्स के लिए निर्धारित जमीन का भी निरीक्षण करेंगे। डीएमसीएच परिसर में लंबे वक्त से बनकर तैयार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी नड्डा उद्घाटन करेंगे। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण पूरा हो गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज उत्तर बिहार के लोगों को बहुत बड़ी सौगात देंगे। जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर में एसकेएमसीएच परिसर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी 12 बजे दरभंगा हवाई अड्डा पर पहुंच जाएंगे और वहां बाहर में हम लोग कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक स्वागत उनका वहां पर करने वाले हैं और फिर एम्स के जमीन पर शोभन वहां से पहुंचेंगे और शोभन में एम्स जमीन जो माननीय नीतीश कुमार जी बिहार सरकार ने दिया है उसका निरीक्षण करेंगे और वहां भी उनका भव्य स्वागत होगा। मिथिला के जो परंपरा है उससे स्वागत उनका होगा और शंख वादन भी होगा और मिथिला के पंडित के द्वारा वेद उच्चारण भी वहां पर किया जाएगा और फिर वहां से आकर के जो 150 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण होना है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बिहार को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सौगात दी है। दो दिन के बिहार दौरे के पहले दिन जेपी नड्डा ने पटना के IGIMS में RIO यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी का उद्घाटन किया है और उसके बाद सीधे भागलपुर पहुंचे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो सीधे गया पहुंचे जहां उन्होंने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का उद्घाटन किया। तीन अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जिलों की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर राजधानी पटना के IGIMS के नेत्र विभाग के उद्घाटन की तस्वीर और भागलपुर के 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का भी उद्घाटन हुआ। साथ ही साथ गया की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां एक्सक्लूसिव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। और बिहार दौरे का पहला दिन पूरा करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पटना बीजेपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने दो बैठकों की अध्यक्षता की है और इसमें पहली बैठक बीजेपी सदस्यता अभियान समिति के साथ की गई और इसमें अभियान की समीक्षा करते हुए लक्ष्य को हर हाल में पाने का निर्देश दिया गया। नड्डा ने नेताओं को गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक मजबूती के साथ सदस्यता अभियान चलाने और 1.5 करोड़ सदस्य हासिल करने के निर्देश दिए हैं और इसके बाद बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई जिसमें 2025 के चुनाव को लेकर अहम रूप से चर्चा की गई। अध्यक्ष ने नेताओं को कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सहयोगी दलों के नेताओं से बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए। जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं, दिलीप जायसवाल हैं और इनके साथ साथ यहाँ पे तमाम जो कोर कमेटी के जो मेंबर हैं संजय जायसवाल हैं और यहाँ पे तारकेश्वर प्रसाद हैं, तमाम जो लोग हैं वो बैठ करके राधा मोहन सिंह हैं यहाँ पे बैठ करके बात हो रही है और इस बैठक में सबसे खास बात है कि जो सदस्यता अभियान है उसको लेकर के समीक्षा की जाएगी और साथ साथ ही यहाँ पे 2025 के जो विधानसभा का चुनाव है उसे लेकर के यहाँ पे रणनीतियों पर चर्चा होगी। जो बैठक है बीजेपी की जेपी नड्डा के अगुवाई में वो बेहद खास है क्योंकि 2025 के चुनाव को लेकर के यहाँ पे बड़ी रणनीति तय की जाएगी। पटना से रविश नारायण की रिपोर्ट। और बिहार विधानसभा में 3 साल पहले सदन के अंदर से लेकर बाहर तक मारपीट की घटना घटी थी और मामले को संभालने के लिए तब सदन के अंदर पहली दफा पुलिस को बुलाना पड़ गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने जांच समिति का गठन किया था जो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन दो साल पहले जब गठबंधन टूटा तब जांच बंद कर दी गई थी। लेकिन अब जब एक बार फिर गठबंधन बदला है तब इस मामले की जांच की फाइल फिर से खुल सकती है जिससे कई विधायकों की समस्याएं बढ़ सकती है। बिहार विधानसभा से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। तीन साल पहले बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ था जब बात मारपीट तक पहुंच गई थी और तब इसकी चर्चा देश भर में हुई थी और बिहार विधानसभा में जो कुछ घटना घटी थी उससे न सिर्फ बिहार विधानसभा शर्मसार हुआ था बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी जबरदस्त चर्चा थी। इस घटना के बाद एक जांच समिति बनाई गई थी और जो इस घटना की जांच कर रही थी और जांच में जो दोषी थे उन पर कार्रवाई की भी बात हुई थी, लेकिन दो साल पहले वो जांच बंद कर दी गई थी। लेकिन जो वर्तमान में राजनीतिक समीकरण बदला है, एक बार फिर से ये चर्चा है कि एक बार फिर से जो आचार समिति की फाइल थी उसे खोला जा सकता है, यानी कि जो तीन साल पहले मारपीट की घटना हुई थी एक बार फिर से वो जांच समिति की फाइल खोली जा सकती है। दरअसल 23 मार्च वो दिन था 2021 का जब विधानसभा के अंदर और बाहर जबरदस्त मारपीट की घटना घटी थी और सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक हो या फिर विपक्षी पार्टी के विधायक आपस में उलझ गए थे और तब बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो थे विजय सिन्हा और घटना तब ये भी हुई थी कि उन्हें उनके कक्ष में ही बंद कर दिया गया था और जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए सदन को व्यवस्थित करने के लिए पहली बार विधानसभा के अंदर पुलिस को बुलाना पड़ गया था और विधानसभा के इतिहास में शायद पहली घटना ऐसी हुई थी जब बिहार पुलिस विधानसभा के अंदर तक पहुंच गई थी। और जैसी बात, ये पूरी घटना तब हुई थी जब बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 को पेश करने के दौरान ये घटना घटी थी, यानी कि बिहार पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 को जब पेश किया जाता उस वक्त ये घटना घटी थी और विपक्षी पार्टी ने आरोप लगाया था कि ये कानून विपक्षियों को दबाने के लिए बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जब ये घटना घटी उसके बाद जो तत्कालीन अध्यक्ष थे विजय सिन्हा, उन्होंने आचार समिति को जांच का जिम्मा दे दिया था जिसने इसकी जांच शुरू कर दी थी और जो संबंधित घटना घटी थी उसका वीडियो फुटेज भी दिखाया गया था और उसकी भी जांच हो रही थी। लेकिन धीरे धीरे उस समय खबर यह भी मिली थी कि इसमें लगभग एक दर्जन से ज्यादा विधायकों को पर पहचान की गई है और उन पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दो साल पहले जब महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद ये जांच समिति जो जांच कर रही थी उसने जांच बंद कर दी। लेकिन अब जब वर्तमान में एनडीए की सरकार बन गई है एक बार फिर से खबर मिल रही है कि उस फाइल को खोला जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है। और जाहिर सी बात है, इसी साल फरवरी में भाजपा के नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष बने उनके सामने ये जांच वाला मामला लाया गया तो उन्होंने समीक्षा की और समीक्षा के बाद यह विषय लंबित हो गया, यानी कि आचार समिति अब नए सिरे से जांच कर सकती है। तो जाहिर सी बात है, बिहार विधानसभा के अंदर तीन साल पहले जो घटनाएं घटी थी एक बार फिर से उसकी जांच हो सकती है और जो दोषी विधायक है उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। बहरहाल ये जांच कितनी आगे बढ़ती है और क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आने वाले साल में बिहार विधानसभा का चुनाव भी है और आने वाले मामले में ये मुद्दा एक बार फिर से राजनीतिक रंग भी ले सकता है। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगर आप 9 सितंबर को पटना आने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए क्योंकि इस दिन आपको ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा क्योंकि परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर 9 सितंबर को सार्वजनिक परिवहन के वाहन नहीं चलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा को रूट में बांटकर कलर कोड और यूनिक कोड के जरिए परिचालन करने के फैसले के विरोध में चालकों ने एक दिवसीय हड़ताल पर जाने का फैसला कर लिया है जिसको लेकर शहर के सभी रिक्शा और ई रिक्शा चालकों ने बैठक कर निर्णय लिया है। मामले पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। बिहार में एक बार फिर से ऑटो वालों का हड़ताल होने वाला है और इस बार ई रिक्शा चालक भी उनके साथ रहेंगे। कारण है रूट में अलग से पहचान देने की बात सरकार की तरफ से हो रही है जिसका घाटा इन ऑटो वालों को भी होगा क्योंकि जिस रूट में चलेंगे उसके अलावे किसी रूट में उन्हें चलने का अधिकार नहीं होगा। सरकारी तो गलत कर रहा है, सरकार बहुत गलत कर रहा है। टेम्पो वाला पर अत्याचार इतना कर रहा है कि जिसका कोई अच्छी नहीं है। सरकार यही सोच रहा है कि हम अपना मनमानी कर हैं। बताइए, गलत बात है। सरकार के ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सरकार के सबके एक नजर से देखना चाहिए। घाटा होगा नहीं, अब कहीं जाए नहीं करेगा, एक रूट में रहेगा तो कैसे होगा? दिक्कत है, अन्याय हो रहा है।
क्या न्याय की पुलिस तंग करवे करते हैं, जहाँ का पावा वहाँ गाली बक देंगे पुलिस, तहीं अगर रोड पर तहीं हल्का भी पैसेंजर लेने के लिए भी तो पैसेंजर लेने की जगह तो पहले है। पार्किंग में कोई सुविधा नहीं है, कहीं भी पार्किंग है, हर एक जगह पार्किंग है नहीं है, ड्राइवर के मार बैठे हैं। यही सब ड्रामा बहुत ज्यादा है प्रशासन का। गाड़ी खड़ा होता है तो फोटो खींचता है, अरे फोटो क्या खींचना, उतना पैसा वाला है टेम्पो वाला कि फोटो खींचा, 10,000 का चलान कर दिया, 5,000 का चलान कर दिया, कैसे मेहनत से कमाता टेम्पो वाला जानता है। हड़ताल पर जाने से सिस्टम बदलेगा, हड़ताल होगा बढ़िया से सिस्टम कैदा में रहेगा आदमी, 50 रुपया के लिए मुँह कान पर हाथ चला देता है। तय कर लिया गया है 9 सितंबर को ये हड़ताल जरूर होगी और उसे रोकने के लिए सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब तक वार्ता सफल नहीं होगी तब तक यह लोग हड़ताल पर जाने से नहीं रुकेंगे। कानपुर से न्यूज 18 के लिए मनीष शर्मा। और अगली खबर आपको जमुई जिले से बताएं, जहां बीमार बच्चों के समुचित इलाज के लिए सदर अस्पताल परिसर में 42 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड के निर्माण की गति बहुत धीमी है। आईसीयू और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस पीडियाट्रिक वार्ड का निर्माण जून तक हो जाना था, लेकिन बीते 3 महीनों में निर्माण कार्य अब तक बंद है। हालांकि कर्मियों का कहना है कि बिजली का काम हो रहा है। प्री फेब टेक्नोलॉजी से लगभग 3 करोड़ की लागत से बीमार बच्चों के इलाज के लिए इस वार्ड का निर्माण होना है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के बीमार नवजात बच्चे या फिर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को समुचित इलाज मिल सके, ऐसे में सदर अस्पताल परिसर में पेडियाट्रिक वार्ड मतलब पीकू वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है 42 बेड का। लेकिन देखा जाए तो निर्माण काम बीते कई महीनों से ठप पड़ा हुआ है और जो पेडियाट्रिक वार्ड मतलब पीकू वार्ड का निर्माण जून में हो जाना चाहिए था, बताया गया था कि जून महीने के बाद से इसकी सेवा लोगों को मिलनी शुरू हो जाएगी, और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 42 वार्ड का जो 42 बेड का जो पीकू वार्ड है, यहाँ पर आईसीयू और अत्याधुनिक जो मशीन है उससे लैस आईसीयू वार्ड जो बच्चों का पेडियाट्रिक वार्ड बनना है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो निर्माण एजेंसी या फिर जो संवेदक है उनकी लापरवाही कहे कि इस कारण महीनों पहले इसको निर्माण इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, लाभ भी मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसका लाभ नहीं मिल सक शुरू हुआ है। अभी थोड़ा सा बिजली का काम बचा हुआ है। हाँ। और फॉल्स सीलिंग बचा हुआ है। हाँ। जो कि मतलब 15 से 20 दिन का काम है। हाँ। और बिजली का काम शुरू हो गया है। हाँ। लगभग रखिए 15 से 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। निर्माण एजेंसी से जुड़े हुए यह शख्स है और इनका कहना है कि 15 दिन में निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। बता दें कि महीनों बीत गया स्ट्रक्चर को खड़ा करने में, जबकि यहाँ पर आईसीयू कंप्लीट करना है, फॉल सीलिंग का काम करना है, तमाम मशीनों को लगाना है। अब इनका कहना है कि 15 दिन में काम पूरा हो जाएगा। हैरानी की बात है कि इनका दावा देखते हैं कि कितना पूरा होता है, लेकिन फिलहाल इस पेडियाट्रिक वार्ड को शुरू होने की जरूरत है, क्योंकि जमुई जिले के नवजात बच्चे या जो बालक होते हैं उनको दूसरे शहर में इलाज के लिए जाते हैं, ऐसे में जरूरी है कि इसका सही समय पर जल्द से जल्द इस पेडियाट्रिक वार्ड की शुरुआत हो जाए। केसी कुंदन न्यूज 18 जमुई। और बड़ी खबर आपको बगहान से बताएं, जहां गंडक नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल गंडक नदी में 1,80,000 क्यूसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद जल संसाधन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बांधों और तटबंधों पर भी दबाव है। गंडक नदी के जलस्तर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी के जलस्तर में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर जलस्तर बढ़कर 1,84,000 क्यूसेक तक पहुंच गया था। हालांकि धीरे धीरे थोड़ी गिरावट भी दर्ज की गई, लेकिन नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जिस तरह से गंडक नदी एक बार फिर शांत हो गई थी, तो धीरे धीरे नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में भी उछाल दर्ज किया गया है और धीरे धीरे यह जलस्तर बढ़कर 1,00,000 क्यूसेक के पार पहुंच गया है। तो फिलहाल बाढ़ की बड़ी संभावनाएं तो नहीं दिख रही है, लेकिन जिस तरह से नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्रों में बारिश हो रही है और यह बारिश होते रहा तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के जलस्तर में और भी उछाल जरूर दर्ज किया जाएगा और धीरे धीरे जलस्तर में वृद्धि के बाद जल संसाधन विभाग के अभियंताओं के भी होश उड़ गए हैं और बांधों और तटबंधों की सुरक्षा
बढ़ा दी गई है, लेकिन गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के बाद निश्चित तौर पर बांधों और तटबंधों पर दबाव जरूर बनेगा, जिसको देखते हुए जल संसाधन विभाग के साथ ही जिला प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर काम कर रही है। अब देखना होगा कि नेपाल में जिस तरह से बारिश हो रही है और जिस तरह से गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है, आने वाले दिनों में बाढ़ की क्या संभावनाएं आती है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। और मानसून की बारिश से किसानों के लिए राहत तो कुछ लोगों के लिए आफत भी खड़ी कर दी है। मोतिहारी में एनएच 28 जलजमाव की वजह से झील में तब्दील हो चुका है। हाईवे पर जलजमाव की वजह से लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगह सड़कें टूट भी गई है। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से जल निकासी की लगातार मांग कर रहे हैं। बारिश ने कई जगहों पर राहत दी है तो कई जगह पर आफत भी ला दी। देखिए ये तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये कोई आम सड़क नहीं है, बल्कि यह सड़क जो है यह एनएच की सड़क है और एनएच की सड़क पे झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, क्योंकि यह मोतिहारी से बेतिया और रक्सौल का ये मुख्य मार्ग है, एनएच है, एनएच 28 है, और वहां पर जो तस्वीरें हैं वो तस्वीर आपको दिखा रहा है, झील जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जल जमाव है और खासतौर पर नाले की निकासी नहीं होने के कारण तमाम जो जल पानी जो है वो यही जम जाता है और वैसी स्थिति में लगातार प्रतिदिन जो है दुर्घटनाएं जो है वो घटती है। और खासतौर पर ठीक सामने जो है बड़ी सब्जी मंडी है, जहां पर लाखों करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो प्रतिदिन होता है, और जो खासतौर पे जो गाड़ियां हैं वो रेगने का चलती है। बताया कि रोज रोज ऐसे ही हालात रहता है। जी सर, बारिश हुआ है, इसी तरह हालात इसी तरह रहता है। कैसे आप लोग जाते हैं? इसी तरह जाते हैं, मोटर में पानी ऊपर जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। एक्सीडेंट भी कई बार हो गया सर, आएगा इस तरह एक्सीडेंट नहीं होता। बिल्कुल, देखिए रेंगने कर गाड़ियां चल रही है और वैसी स्थिति में कई बार जो है घटनाएं भी घटी है और लगभग 2 से 2.5 फीट पानी जो है वो यहां जमा होता है। लेकिन कैसे लोग यहां पर आकर सब्जी बिक्री कर रहे हैं, कैसे लोग यहां से गुजर रहे हैं, ये तस्वीर ही बयां कर रही है कि कैसे कैसे प्रशासनिक उदासीनता के कारण यहां जल जमाव जैसी स्थिति हो गई है और एनएच जो है वो अब जो है जर्जर अवस्था में है और इन इलाकों में जो सड़कें हैं वो टूट गई है और लोग प्रतिदिन इसी गंदे पानी के बीच जो है वो गुजरने को मजबूर हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, पूर्वी चंपारण। और इसी बीच पूर्णिया से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां एक महिला की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया। महिला के पति पर हत्या का आरोप लगा है। ये घटना बायसी थाना क्षेत्र के बसडी गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला की शादी 7 साल पहले मलहरिया में जालिम शर्मा के साथ हुई थी। शादी के बाद ही उसका पति उसके साथ मारपीट किया करता था। बीती रात भी पति ने महिला की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। पत्नी को मारने के बाद आरोपी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। के साथ करता था पत्नी, आप देखे थे उनको कभी? हा? कभी देखे उसको? देखे थे। तो क्या नाम है वो लड़का का? किसके साथ, किनके साथ चक्कर चलता था? कहाँ, गांव का है कि बाहर का है? बड़ा भाई था। अच्छा, उनका लड़की है जिस, आपका पत्नी का बड़ा भाई था? कैसा बड़ा भाई था? कैसा? अच्छा, उनके साथ चक्कर चल रहा था। पति के द्वारा ही मामले की बात नहीं करते हैं, लेकिन ड्राइवर है, मृतिका के पति ड्राइवर कर लिया गया है, घर नंबर 14, और जिस चीज से मारा है वह भी सामान को बरामद कर लिया। और अगली खबर बेतिया से, जहां मझौलिया स्थित एक मोबाइल दुकान में भीषण चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान में रखे 20 लाख से अधिक के मोबाइल की चोरी कर ली है। चोरी की पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात की और इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लगा हुआ है, ताला उखाड़ के, शटर उखाड़ दिया गया है, उसमें से घुस के लगभग पूरा मोबाइल लगभग 15-18 लाख और कैश 2 लाख, लगभग 18-20 लाख के करीब में चोरी हो गया। क्या क्या चोरी हुआ? जैसे मोबाइल हो गया, जैसे सब डीलर का कंपनी होता है, ऑनलाइन से मंगाए हुए लगभग 14-15 लाख का मोबाइल होगा और लगभग कैश भी था 2 लाख। और मुजफ्फरपुर में धीरे धीरे सियार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पहले मुशहरी प्रखंड के शेरपुर इलाके में सियार ने करीब 12 लोगों को जख्मी किया और अब कुढ़नी प्रखंड के माधोपुर सुस्ता इलाके में भी लोगों पर हमला बोल दिया है। कई बच्चे तो गंभीर रूप से जख्मी हैं, इलाजरत हैं और
फिलहाल सभी को ये कहा जा रहा है कि वो बच कर रहे। बताया जा रहा है कि माधोपुर सुस्ता इलाके में सियार खूंखार हो गया है, लगातार लोगों पर हमले कर रहा है और अब तक इस इलाके में करीब 10 लोग शिकार हो चुके हैं। सियार के आतंक से पूरे इलाके में भय की स्थिति बनी हुई है, लोग लाठी डंडे लेकर इलाके में घूम रहे हैं। वन विभाग की टीम भी सियार को पकड़ने में लगातार जुटी हुई है। कई जगहों पर सियार के मांद के पास जाल लगाया गया, हालांकि मीनापुर में भी कई लोगों के घायल होने के बाद एक सियार को पकड़ा गया है। और बहुत लोग हवाल के लिए मेरे बेटा को बहुत फाड़ दिया छेड़ दिया। कुत्ता था जी। नहीं सर, भैया ऐसा नहीं। कहाँ पर? ये बिशनपुर के था, 5 नंबर वार्ड में हुआ सर। डीएफओ साहब के निर्देश सूचना जैसे ही विभाग को दिया गया, उसके बाद हम लोग एक्टिव हो गए। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू टीम के प्रभारी पंकज जी वगैरह, हम हैं, शशि जी हैं, सब लोग साथ में जो है सो लगे हुए हैं। जगह जगह पिंजरा केज वगैरह को लगा दिया गया है। सर्च अभियान भी कल चला था और जहाँ जहाँ उसके आने जाने का ये है, इस चीज़ को लोकेट किया गया है, वहाँ सब जगह पिंजरा लगा दिया गया। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पटना के तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका है। स्वास्थ्य मंत्री दरभंगा और मुजफ्फरपुर में हाईटेक अस्पतालों की सौगात भी दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तख्त श्री हरमंदिर साहिब में कैसे जेपी नड्डा पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 2 दिवसीय के दौरे बिहार दौरे पर है और लगातार बिहार वासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सौगात दे रहे हैं और इसी बीच वो गुरुद्वारा भी पहुंचे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए, खबरें लगातार जारी है।